हेलो एंड वेलकम, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स यूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में बहुत सारी यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट का काउंसलिंग का डेट आपको बताने वाला हूं और भी बहुत कुछ अपडेट बताऊंगा, सो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय का जो है ऑफलाइन काउंसलिंग का डेट क्या रखा गया है। तो आप सभी देख सकते हैं, यह है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय का नोटिस जो कि 15/5/2024 को ही रिलीज किया गया था। काफ़ी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के बारे में मुझसे बात कर रहे थे और काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सो मुझे बार बार इस यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाला है। कई लोग का डाउट है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो उसी को काउंसलिंग मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग एक दिन आयोजित किया जाता है यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो इसके बारे में एक नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज किया गया है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पीजी का जो फर्स्ट काउंसलिंग का डेट है वो है 24/5/2024 तक। रिपोर्टिंग टाइम है ऑल एप्लीकेंट का 10 बजे और स्टार्ट टाइम होगा 11 बजे और डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा। मान लीजिए कि अगर आप एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं एमएससी केमिस्ट्री में, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके आपको काउंसलिंग कराना होगा, अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। तो यहाँ पे इसका एक सेपरेट डेट भी निकाला जाएगा, कितने मार्क्स वाले को बुलाया जाएगा, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आज के बाद रिलीज किया जाएगा। मोस्ट प्रोबली 22 तारीख को ये रिलीज किया जाएगा नोटिस कि कितने स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए ऑफलाइन जो काउंसलिंग है बुलाया जाएगा। ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट जाते हैं 70-80% के आसपास पिछले साल एडमिशन हुआ था, अगर आप जाते हैं तो आपके लिए भी काफ़ी हद तक चांसेस रहेंगे, क्योंकि बहुत दूर के भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं बहुत जगह पे और जाते नहीं हैं ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो अगर आप जाते हैं और 30-40-20 मार्क्स भी है अगर आपका कैटेगरी चाहे कुछ भी हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का इस यूनिवर्सिटी में आज ही है, तो जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं आज ही रजिस्ट्रेशन करा लें इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। चलिए अगले यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट का अपडेट हम लोग देखते हैं। तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में एडमिशन का इच्छुक हैं, अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका भी लास्ट डेट आज ही है, जल्दी से जाके फटाफट अप्लाई कर दीजिए। और कुछ लास्ट डेट यूनिवर्सिटी का हम लोग बात कर लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी आज लास्ट डेट है, तो जल्दी करें और यहाँ पे अप्लाई करें। अब मेरिट लिस्ट से रिलेटेड बात कर लेते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का अभी तक मेरिट लिस्ट आ गया है। तो मेरिट लिस्ट आपका CUSB का आ चुका है, उसके बाद आपका MGCUB जो कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में, उसका भी सेकेंड लिस्ट आ गया। CU पंजाब का मेरिट लिस्ट आ गया है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वारधा में, तो उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है 20 तारीख तक, यानी कि आज तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। CUET PG से रिलेटेड और किसी भी प्रकार का हेल्प के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर अगर आप कोई भी डाउट से रिलेटेड कमेंट करते हैं या कुछ भी अगर आपका प्रश्न होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट का जो है रिप्लाई 12 घंटे के अंदर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।